फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीम। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एडमिन का एक न्यू मेथड लेकर आई हूँ। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि बाकी मेथड्स मैं आपको बताती हूँ, सिंपल, इजी और 100% वर्किंग। और इसमें ना आपको सेम तरीका है, आप फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, मतलब तरीका अलग है बट कॉन्सेप्ट सेम है कि आप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम है, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो और कोई भी इस काम को कर सकता है। कोई स्किल्स जरूरी नहीं है इस काम के लिए। जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको बस दो चीजों पे मेन फोकस करना है, एक आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझनी है, दूसरा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है या काम करते टाइम आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको कॉमेंट में मुझसे पूछना है। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे related to how to earn money online, work from home, part-time jobs, online learning apps and much more. तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होने वाला है। ये वेबसाइट है acx.com। यहाँ पे सिंपली आपको बुक्स को रीड करना होता है और उसको अपनी वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि जैसे ही जैसे आप बुक रीड करोगे आप उसको बोलोगे, जैसे अभी मैं वीडियो में बोल रही हूँ वैसे ही आपको बोलना है और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है। सब कुछ कैसे करना है मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में आज बताने वाली हूँ। आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिससे आप अपनी अर्निंग को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आपको किसी भी तरीके का कम अर्निंग ना हो, आपकी अच्छी अर्निंग हो, इस बात का आप ध्यान कैसे रख पाओ, सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे ऑडिबल, एमेजॉन, आईट्यून्स, काफी सारे यहाँ पे ना और भी छोटी मोटी जहाँ पे भी आपको ई बुक्स देखने को मिल जाती है। वो फ्री भी होती है, पेड भी होती है, दोनों टाइप की होती है। तो मेनली आपको ई बुक्स के ही यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फाइंड अ बुक फॉर योर वॉइस, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो न्यू पेज ओपन होगा। अब भी देख रहे हो आप, इसी टाइम जब मैंने ये ओपन किया है तो 1956 बुक्स यहाँ पे रेडी है वॉइस ओवर करने के लिए। अब सारी बुक्स ना यहाँ पे अलग अलग होती है, यानी कि आपका जो पेमेंट मेथड होगा ना वो भी डिफरेंट होगा। अब कुछ बुक्स पे आपको रॉयल्टी शेयर या फिर रॉयल्टी शेयर प्लस का ऑप्शन मिलेगा। इसका मतलब होता है कि अभी ये आपको कोई पेमेंट नहीं करेंगे, जब आप इनको वॉइस ओवर सेंड करोगे बुक का तो वो आपको अभी कोई पेमेंट नहीं करेंगे। जैसे जैसे ये बुक सेल होती रहेगी आपको उनका परसेंट मिलता रहेगा। मोस्टली जो होता है वो 50% होता है। तो मान लीजिए कि ये ई बुक है $10 की, तो जैसे ही ये सेल होगा तो आपको $5 मिल जाएगा। जितनी बार भी सेल होगी उतनी बार आपको $5 मिल जाएगा। तो जो लोग पैसिव इनकम के जैसे इस वेबसाइट पे वर्क करना चाहते हैं कि उनको पैसिव इनकम मिलती रहे, वो इस टाइप से वर्क कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ई बुक्स को चूज कर सकते हैं जिसमें रॉयल्टी शेयर का प्रोजेक्ट बजट हो। सेकंड टाइप आता है, यहाँ पे ना आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, रॉयल्टी शेयर, रॉयल्टी शेयर प्लस और $100 to $200। अब यहाँ पे एस्टिमेट लेंथ अलग अलग होती है हर बुक की, हर ई बुक की अलग अलग होती है। इसकी है 8.8 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ड काउंट आपको मिल जाएंगे, लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटरीज, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप एक चीज सोच के चलो, जैसे नॉर्मली आप जॉब कर रहे हो किसी ऑफिस में ऑफलाइन, तो आपकी शिफ्ट मेरे हिसाब से जो नॉर्मल शिफ्ट होती है वो 7 to 8 आवर्स की होती है, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको 200 नहीं सिर्फ $100 भी अगर मिल रहे हैं, जो इंडियन रुपीज में अराउंड 7000 होते हैं, तो आप एक दिन के काम के आप 7000 अर्न कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप अपना ऑफिस छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो, नहीं, आप उसके साथ में अपनी जॉब के साथ में इस वर्क को करो। अब आप सोचोगे कि 8 घंटे वहां पे, 8 घंटे यहाँ पे, ऐसे में कैसे काम करूं, तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन के पूरे 8 घंटे देने, नहीं, आप रोज आधा घंटा ये बुक रीड कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले बुक रीड करते हैं, पहले नॉर्मली हार्ड कॉपी जो होती है बुक की वो रीड करते थे लोग, अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी बुक्स को, ई बुक्स को, नॉवेल्स को ऐसे रीड करते हैं। तो अगर आपकी ऐसी आदत है तो बहुत अमेजिंग है, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो।
अब तीसरा तरीका होता है, अभी जो हमने देखा था ना, ये 100 to 200 डॉलर, ये पूरा प्रोजेक्ट बजट था, ठीक है। यानी कि 8 घंटे के आपको मिलने हैं 100 to 200 डॉलर्स, यानी 7,000 to 14,000 इसके बीच में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 50 to 100 डॉलर PFH, यानी कि पर आवर आपको यहाँ पे इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी एस्टिमेट लेंथ है 3 आवर्स, यानी 3 घंटे आपको लग जाएंगे इस बुक को रीड करोगे ना, वॉइस ओवर अपना क्रिएट करोगे तो 3 घंटे आपको लग जाएंगे बुक को रीड करने में, और उस 3 घंटे के आपको पर आवर मिल रहा है 50 to 100 डॉलर, यानी कि टोटल आपको मिलेगा यहाँ पे 150 to 300 डॉलर्स, जो कि काफी अच्छा अमाउंट है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे काम कम मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल जो हमने बुक्स देखी थी वो 1,956 बुक्स हैं, और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, अगर आपको कोई किसी टाइप की बुक पसंद है तो आप यहाँ पे सर्च करो, वैसे टाइप की बुक्स आ जाएंगी, बुक्स बोलो, नोवेल बोलो, कुछ भी बोलो इन चीजों को, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएंगी। एंड देन आप अपनी पसंद की चीजों को रीड करके, अपनी पसंद की बुक्स को रीड करके, वॉइस ओवर करके अर्निंग कर सकते हो। जो काम नॉर्मली आप रोज करते हो, रात को अगर आप बुक्स रीड करके सोना पसंद करते हो, तो जो काम नॉर्मली आप करते हो वही सेम वर्क करके आपको अर्निंग मिल रही है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इसमें अर्निंग को कलेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ना साइन अप करना होगा। यहाँ पे साइन अप नाउ का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो साइन अप फॉर्म यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेजोन किंडल की मोस्टली जो यहाँ पे बुक्स वगैरह हैं वो अमेजोन किंडल की हैं, तो आपको सेम अकाउंट आपका चल जाएगा, जो अमेजोन पे अकाउंट है ना उसी को आप साइन इन कर सकते हो। आज की डेट में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी पर्सन है जिसका अमेजोन पे अकाउंट ना हो, अगर नहीं है तो आप यह क्रिएट कर लो, और अगर है तो आप साइन इन कर लो। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कुछ और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है इनके साथ, जैसे ये अपना नेम, स्क्रॉल डाउन करोगे तो कंपनी, यहाँ पे ना अगर आपके पास है, नहीं है तो उसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा आई एम अ ऑदर, नरेटर, स्टूडियो, एजेंट, पब्लिशर, जो भी आपको यहाँ पे चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूएसए, अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जब ऐसी किसी भी वेबसाइट पे यूएस यहाँ पे लिखा होता है तो और कंट्रीज नहीं होती, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाला आपको ऑप्शन मिलता है, मोस्टली सारे आपको यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सबसे ज्यादा है पाकिस्तान से, मुझे बहुत ज्यादा कॉमेंट्स आते हैं, इंडिया से तो आते ही हैं, बिकॉज मैं वीडियो भी इंडिया में ही बना रही हूँ, और मेरी बहुत बड़ी ऑडियंस है इंडिया में ही, तो यहाँ पे इंडिया भी है। प्लस स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको और भी काफी सारी यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिल जाएगी, तो आपकी जो भी कंट्री है ना आपको सिंपली वो चूज कर लेनी है, और उसके बाद आपको एड्रेसेस अपने यहाँ पे सेव कर देने हैं, एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सारे आपको चीजें आपको यहाँ पे सेव कर देने हैं। उसके बाद आगे आगे आपको अपनी ही पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी है, और नॉर्मल वाली करनी है, ऐसा नहीं है कि बैंक की सारी डिटेल्स ले लेंगे, ये ले लेंगे वो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर करनी है और आपका वर्क यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है पेमेंट की, कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, तो पेमेंट आपको मिलेगी मंथली। अब यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड है कि जब भी आप ऑडियो बुक अपनी कंप्लीट कर लोगे ACX पे, जिसने भी यानी जिसकी भी वो बुक होगी उसको आप सेंड कर दोगे तो वो उसको अप्रूव करेंगे, ग्लिचेस नहीं आने चाहिए, यानी कि आप कहीं भी बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हो, पीछे से किसी पक्षी की आवाज आ रही है, किसी जानवर की आ रही है, या आपके घर में टीवी चल रहा है उसकी आवाज आ रही है, तो ये सब चीजें, ये सब आवाजें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एयरप्लेन वगैरह ऐसे कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए, प्रॉपर आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। उसके बाद जब वो अप्रूव कर देंगी तो आपको चेक, क्रेडिट कार्ड, या फिर जो भी आपके बीच बात हुई होगी कि अगर आपकी जो ऑडियो बुक है उनको पसंद आएगी, तो वो इस तरीके से आपको पेमेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप की पेमेंट होती है यहाँ पे, रॉयल्टी शेयर, रॉयल्टी
रॉयल्टी शेयर प्लस या फिर क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्ट बजट, पूरा प्रोजेक्ट बजट भी हो सकता है और पर आवर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है कुछ टिप्स की। मान लीजिए कि आप इसमें पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हो, यानी कि आप ये सोच रहे हो कि इसकी मैंने ऑडियो बुक रेडी कर दी है और मैं नहीं चाहता कि एक बार में मुझे सारी पेमेंट मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ कि जितनी ज्यादा ये बिके मुझे हर बार इसमें से कुछ कुछ अमाउंट मिलता रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नहीं पता कि ये ऑडियो बुक लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, अमेजोन आपको ओपन कर लेना है और अमेजोन पे आपको उसको सर्च करना है। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ लोग इसको पसंद कर रहे हैं पढ़ना या नहीं, क्योंकि अगर कोई इसको पढ़ना पसंद नहीं कर रहा है तो चांसेस है कि वो उसको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, और अगर कुछ लोगों ने इसको बाय किया है पढ़ने के लिए तो चांसेस है कि बहुत सारे लोग इसको सुनना भी पसंद करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका नाम डाल दीजिए, सर्च कर लेंगे हम इसको। यहाँ पे हमें ये मिल गई है, इसका किंडल एडिशन जो है वो 0 रुपीज का है और पेपर बैक है 1291 रुपीज का। इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो 8 यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ना फ्री है बट किंडल अनलिमिटेड मेंबरशिप के साथ, या फिर 376 रुपीज में इसको बाय भी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे अमेजोन किंडल को यूज करते हैं उन लोगों को ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, तो आप नहीं करते हो तो एक दो बार यूज करके देखो, जरूरी नहीं है मेंबरशिप लो, वैसे आप रीड करके देखो तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सिर्फ एक रेटिंग है, यानी कि सिर्फ एक पर्सन ने इसको रीड किया है और रेटिंग दी है। रेटिंग हमें यहाँ पे दिख नहीं रही है, नॉर्मली उन्होंने कुछ लिख के यहाँ पे रिव्यू सबमिट नहीं किया है, रेटिंग दी है। तो मे बी आगे जाके अच्छा वर्क करें, या मे बी ये भी हो सकता है कि जो वन पर्सन है जिसने रेटिंग की है वो इन्हीं का कोई रिलेटिव हो। ऐसा होता है कि अमेजोन पे अपनी जो जैसे कि प्रोडक्ट है उसको सबसे ऊपर दिखाने के लिए उसपे ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज रेटिंग्स ये सब मैनेज करना पड़ता है, तब वो ऊपर आने लगता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा SEO का फंडा भी होता है, बट एक दो ही ऐसा मिलेगा आपको कि अगर किसी पे, जैसे इस बुक पे आपको एक रेटिंग मिली, किसी पे दो मिल गई, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेंगी ऐसे पेड वाली, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको काम आएंगी ज्यादा अर्न करने में, कि सही चीज हम कैसे चूज करें, सही बुक हम कैसे चूज करें। मैं तो वैसे आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पर आवर वाला या फिर टोटल बजट वाला आप $100 $200 $50 ऐसे ही आप कैश टाइप में ले लो। रॉयल्टी शेयर अगर आप स्टिल लेना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। तो मेरे हिसाब से मैंने वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, कैसे आपको किस वेबसाइट पे आपको शुरुआत करनी है, उसके बाद आपको कैसे साइन अप करना है, कैसे आपको सही वे में एक बुक को ढूंढना है वॉइस ओवर करने के लिए, कैसे आपको पेमेंट मिलेगी। अब मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं जो आपकी हेल्प करेंगे। पहली तो ये चीज कि ये काम फोन से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया है। फोन से कैसे होगा, मोस्टली हर फोन में एक फीचर होता है रिकॉर्डर का, वॉइस रिकॉर्डर का, जो सच में बहुत अच्छा वर्क करता है उस फोन के लिए, उस पर्टिकुलर फोन के लिए। मेरे पास पुराना जो मेरा फोन था वो MI रेडमी का था, रेडमी MI जो भी आप बोल लो, तो उसमें जो रिकॉर्डर था वो काफी अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा था वो, मुझे कुछ भी और एक्स्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना अच्छा था। हाँ मेरा अब वाला जो फोन है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मुझे एप्स वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती है अगर मुझे फोन से ही वीडियो कोई बनानी पड़े तो। तो आप नॉर्मली क्या करना, अगर आपके फोन का रिकॉर्डर अच्छा नहीं है उसको एक बार चेक कर लेना, अच्छा है तो उसी को यूज करो, अच्छा नहीं है तो आप कोई अच्छी सी ऐप यूज कर सकते हो वॉइस रिकॉर्डर की, माई रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, ऐसे बहुत सारे आपको एप्स मिल जाएंगी, उनमें आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। और काफी और भी आपको एप्स देखने को मिल जाएंगे, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं ना बेस्ट एप्स फॉर वॉइस रिकॉर्डिंग, तो आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफी सारी बढ़िया बढ़िया एप्स हैं जो शायद मैंने कभी ट्राई नहीं की है तो मुझे उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ऐसी ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लेनी है,
उसमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, उसके बाद आपको एक ऐप और डाउनलोड करनी है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस ऐप की। उससे क्या होगा, आपके जो बैकग्राउंड में जितनी भी फालतू की नॉइसेस होंगी ना, चाहे वो नेचर की नॉइस हो या समथिंग कोई ट्यून वगैरह समथिंग, कहीं भी बच्चे बच्चे शोर कर रहे हो, तो वो उस बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर देता है। और वो फ्री की ऐप है, आपको ना बस एड देखना पड़ेगा। एक ऐड के आपको 5 मिनट मिल जाएंगे, यानी एक ऐड देखोगे तो 5 मिनट की जो आपकी वीडियो है उसकी ऑडियो है उसका बैकग्राउंड नॉइस हट जाएगा, सिर्फ आपकी साफ साफ आवाज सुनाई देंगी, तो उसको भी आप यूज करना। तो ये सारे टिप्स मेरे हिसाब से आपकी काफी काफी हेल्प करेंगे आपको एक अच्छा अमाउंट मंथली अर्न करके देने में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। शेयर करना बहुत जरूरी है अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सब में, ताकि आप जिस तरीके से अर्निंग कर रहे हो वो भी उस तरीके से अर्निंग कर पाए। और ऑनलाइन वर्क मुझे ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते हो, आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। तो चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर मैंने आपको कुछ बताना मैं भूल गई हूँ तो कमेंट में आप जरूर पूछ लेना। कोई न्यू आइडिया है अगर वीडियो से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, तो वो भी जरूर शेयर करना कमेंट में। बाय बाय।